आप जन्म की पूजा नहीं करिए, जन्म संसार का प्रतीक है। हमारी क्षणिक भ्रा भौतिक निधि को कोई भी ले सकता है, नष्ट कर सकता है, किंतु भीतरी निधि को मिटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। वह थी है और आगे भी रहेगी। राग और अविधा, इन दोनों कारणों से ही यह संसार प्राणी अंधा बना हुआ है। अगर यह दोनों नहीं है तो वह शीघ्र ही अपना आत्मकल्याण कर सकता है। अग्नि की पिटाई तभी तक होती है जब तक वह लोहे की संगति करती है। ठीक इसी प्रकार देह की संगति करने से आत्मा की पिटाई हो रही है, और जब तक आत्मा देह की संगति करेगी तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मोह की चपेट में नहीं आया, लेकिन हाँ, जो इसकी रहस्यपूर्ण शक्ति को पहचान कर उस पर प्रहार करता है वही संसार से पार हो जाता है। पथ एक ही है, मार्ग एक ही है, जो सामने चलता है वह मुक्ति का पथ चाहता है, और जो रिवर्स मतलब उल्टा चलता है वह संसार का पथ चाहता है। आज जो यद्दा तद्दा व्यापार कर रहा है, घूसखोरी करके जो बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है, वह समार्ग से पतित हो रहा है। जब तक भीतरी आत्मा के परिणाम उज्जवल नहीं होंगे, हमारा आचार विचार उज्जवल नहीं होगा, तब तक हमारा संबंध महावीर भगवान के साथ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य समंत भद्र आदि के साथ नहीं रहेगा। धार्मिक संस्कृति अभी वर्षों तक टिकेगी, लेकिन वह अपने आप नहीं, उसे टिकने के लिए स्थायी रूप प्रदान करने के लिए चरित्रनिष्ठ न्याय का पक्ष लेने वाले विभीषण हनुमान जैसे महान पुरुषों की जरूरत है। दया प्रदान कृषि कर्म का रूप विकृत होता जा रहा है। आज अंडों की खेती, मछलियों की खेती, फार्मिंग आरंभ हो रही है, इसे भी कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। कहां गई वह आदिनाथ महावीर और राम की संस्कृति? यह सब आधुनिकता का प्रभाव है।